कांग्रेस के एक नेता पर बलात्कार की कोशिश का संगीन आरोप लगा है। गुस्साई भीड़ ने नेताजी की सरेआम पिटाई की। लोगों से पिटाई खा रहे इन जनाब का नाम है विक्रम सिंह धम्मा। नेताजी चिरांग जिले में कांग्रेस के मुख्य संयोजक हैं। इन पर आरोप है कि ये कल रात 2 बजे एक महिला के घर में जबरन घुस गए, दो बच्चों की मां के साथ बलात्कार की कोशिश की। महिला ने चिल्लाना शुरू किया तो आसपास के लोगों ने इन्हें पीट डाला। पुलिस ने विक्रम सिंह को हिरासत में ले लिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने विक्रम सिंह पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रेप का अपराधी है, उसको पूरी पूरी सजा मिलनी चाहिए। किसी भी नेता को छोड़ देना, ये आम जनता के साथ एक अन्याय होगा। सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी ने कांग्रेस से अपील की है कि ऐसे नेताओं को पार्टी से निकाला जाए। आई थिंक द कांग्रेस पार्टी मस्ट रियली रिव्यू इट्स मेंबरशिप एंड आल्सो मस्ट मेक अ डिसीजन, नॉट ओनली कांग्रेस, ऑल पार्टीज, टू थ्रो सच पीपल हु आर वायलेटर्स ऑफ वुमेन्स राइट्स, हु आर पीपल हु आर सेक्सुअल ऑफेंडर्स। दामिनी के निधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस के जब नेता ही महिलाओं के लिए संकट बनने लगे तो कांग्रेस आलाकमान इसे किस तरह लेगा, ये देखने वाली बात होगी। संदीप सेठ, इंडिया टीवी।